Today I am going to discuss about the writing task 1, and the topic is the graph below shows that the percentage of Australian export to the four countries from 1990 to 2012. यहाँ पे चार्ट दिया है, लाइन चार्ट है जिसमें फोर नेशंस आ रहे हैं, कंट्रीज हैं जापान, यूएस, चाइना एंड इंडिया, जिसका परसेंटेज ओवर एक्सपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे स्टार्टिंग है डॉलर्स में, बिलियन डॉलर्स में यहाँ पे वैल्यूज दी है। तो सबसे जो कम स्टार्टिंग पेटा जो अमाउंट है वो इंडिया एंड चाइना की है, और सबसे ज़्यादा जापान की है। वो जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करवा रहे हैं वो उसका जो जापान में यूएस एंड में बहुत डिक्रीज हो जाती हैं, बट दूसरी इन कंट्रास्ट देखें तो जो दूसरी नेशंस हैं चाइना एंड इंडिया उनका इंक्रीज होता गया है इन टाइम पीरियड में। द लाइन ग्राफ शोज ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट टू जापान, यूनाइटेड स्टेट, चाइना एंड इंडिया फ्रॉम 1990 टू 2012। Overall, it is easy to see that the total export of to India and China are increasing, while export from United States and Japan are declining. At the end of the period, China had the highest export, followed by other countries. की सबसे ज़्यादा highest जो China है उसके बाद दूसरी countries का number आता है। सबसे पहले जापान की बात करें, फिगर्स वर्स जो बहुत ज़्यादा थी स्टार्टिंग पीरियड में, जो 26 बिलियन रिकॉर्ड की थी, बट इट डिविंडल टू मीन्स डिक्रीज टू अबाउट 20 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स एंड नियरली 17 बिलियन डॉलर्स 2012। इट वॉज ऑन द डाउनवर्ड ट्रेंड, की डाउनवर्ड ट्रेंड में वो जा रहा था। इन कंट्रास्ट चाइनाज एक्सपोर्ट्स 1990 were only 3 billion dollars, but the numbers were जो ये वाले numbers थे वो increase होते जा रहे थे time के साथ। Numbers have changed drastically since 2000 से लेकर 2012 तक बहुत ही ज़्यादा हो गई, क्योंकि 3 billion से लेकर 28 billion तक वो पहुँच गया था। US data fluctuated around 10 billion dollars in between the 1990 to 2000, कि जो ये बार 10 साल थी उनमें fluctuate होता रहा था, but around क्या 10 billion के around था। Then declined to 5 billion but recovered slightly, and जो end वाले time पे वो 6 billion हो गया था 2012 में। Similarly India's export began 1 billion dollars से start हुआ था 1990 में, but इसकी जैसे increase होता गया ये stagnate रहा था पहले 10 साल तक, कि 2010 तक ये same रहा था 2000 तक, उसके बाद वो increase होता गया। इन 2010 में क्या हुआ, कि overtook किया में United States से, एक आगे चला गया, उसका 6 था रिकॉर्ड किया गया था, यहाँ पे इसका 7 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड किया गया था। देन एंडेड स्लाइटली लोअर देन द यूनाइटेड स्टेट, कि जब एंड हुआ था तो उनका जो डिफरेंस था यूनाइटेड स्टेट और इंडिया का बहुत ही कम रह गया था। सो दिस इज ऑल अबाउट द राइटिंग टास्क 1। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।